हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही खास ड्रिंक सर्दियों के लिए। तो मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं चीकू शेक की। तो चलिए फटाफट से हम देख लेते हैं चीकू के कुछ बेनिफिट्स। फ्रेंड्स, चीकू में होता है विटामिन ए और बी भरपूर मात्रा में। चीकू में होता है बहुत सारी मात्रा में ग्लूकोज, तो ये होता है इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। चीकू में एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, और चीकू में फुल ऑफ कैल्शियम, फॉस्फोरस और आयरन होता है। चीकू में एंटीवायरल, एंटीपैरासिटिक और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं। तो है ना चीकू कितना हेल्दी। तो चीकू शेक बना के जरूर पिएगा सर्दियों में। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से देख लेते हैं चीकू शेक बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए। तो फ्रेंड्स, चीकू शेक बनाने के लिए हमने लिए हैं ये 4 से 5 चीकू। चीकू शेक बनाने के लिए चीकू को हमेशा अच्छे से पके हुए चीकू होने चाहिए, और सब चीकू शेक बनाने से पहले हम इसको चीकू को अच्छे से वॉश कर लेंगे। हमने लिए 2 चम्मच शुगर, साथ में लिए 4 से 5 काजू और 4 से 5 बादाम। आधे हम इसमें डाल देंगे और आधे हम इसको गार्निशिंग के लिए बचा के रख देंगे। और हमने लिया 1 ग्लास दूध। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से मैं चीकू को वॉश कर लेती हूँ अच्छे से, क्योंकि चीकू पे थोड़ी बहुत मिट्टी लगी रहती है। तो सबसे पहले इसको हम वॉश कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, चीकू को मैंने कर लिया अच्छे से वॉश, और एकदम अच्छे से वॉश कर लिए। अब इसको चीकू को हम छिलके को उतार देंगे और सीड भी निकाल देंगे। फ्रेंड्स, चीकू बहुत ही हेल्दी फ्रूट होता है, तो आप चीकू को जरूर खाइए, किसी भी रूप में खाइए। चीकू खाइए या फ्रूट्स ऐसे ही खाइए, या फिर चीकू शेक बना के पीजिए। चीकू में विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है, जो चीकू हमारी आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है, और चीकू डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। किसी को अपच या कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है, तो इसको चीकू जरूर खाना चाहिए। और चीकू में होता है बहुत सारी मात्रा में ग्लूकोज और नेचुरल शुगर, फ्रक्टोज होता है। तो चीकू बहुत इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी भी होता है, बहुत जल्दी एनर्जी देता है, इसलिए स्पोर्ट्समैन को, प्लेयर्स को चीकू शेक या चीकू खाने के लिए रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि चीकू बहुत जल्दी बहुत फास्ट एनर्जी देता है। तो हमने सारे चीकू उसमें काट के इसमें डाल दिया है ब्लेंडर में। अब इसमें डाल देंगे शुगर, और इसमें हम आधा दूध डाल देंगे। शुगर डिपेंड करता है आपके चीकू की मिठास के ऊपर। अगर आपको चीकू आपको लगता है ज़्यादा मीठे हैं, तो आप शुगर की मात्रा को कम भी कर सकते हैं। अगर आप शुगर बिल्कुल ही डालना चाहते हैं, तो शुगर को आप स्किप भी कर सकते हैं, चीकू वैसे भी थोड़ा सा मीठा होता ही है। इसके बाद हम चीकू को ब्लेंड कर लेंगे। चीकू बहुत जल्दी ब्लेंड हो जाता है, क्योंकि बहुत सॉफ्ट होता है। बाकी का बचा हुआ दूध भी हम इसमें डाल देंगे। फ्रेंड्स, चीकू शेक बनके बहुत जल्दी तैयार होता है। 4 से 5 मिनट में आप चीकू शेक बना के तैयार कर सकते हैं। तो आपके घर पे कोई गेस्ट आए, तो फटाफट से उसको बना के चीकू शेक सर्व कर सकते हैं। सर्दियों की गर्म गर्म धूप में ठंडा ठंडा चीकू शेक बहुत अच्छा लगेगा। आप चाहें तो इसमें बर्फ डाल सकते हैं 1-2 स्लाइस, अदरवाइज़ नहीं भी डालना चाहें तो नहीं भी डाल सकते हैं, क्योंकि दूध और चीकू अगर फ्रिज में रखा हुआ है तो ऐसे भी बहुत ठंडा हो जाएगा। तो चीकू शेक देखिए, गाढ़ा सा चीकू शेक बनके तैयार हो गया। अब इसकी कंसिस्टेंसी आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करती है। आधे नट्स इसमें हमने पहले डाल दिए थे, आधे हम इसको गार्निशिंग के बाद डाल देंगे। तो अगर आप चाहते हैं पतला चीकू शेक बनाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा इसमें आप दूध एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप गाढ़ा पसंद है तो आप ऐसे ही रख सकते हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। तो फटाफट देखिए, हमारा चीकू शेक बनके रेडी हो गया। अब हम इसको गार्निश कर देंगे थोड़े से नट्स, ड्राई फ्रूट्स के साथ। जो भी आप ड्राई फ्रूट पसंद करते हैं वो डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स को बहुत बारीक चॉप करके आप इसमें थोड़ा सा गार्निश करके डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, चीकू बहुत हेल्दी होता है। चीकू में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स होता है, तो चीकू प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और चीकू में विटामिन ए में होता है, विटामिन बी होता है, मैंने पहले ही बताया था। तो हमारी आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है, और चीकू हमारे कैंसर से भी बचाता है। तो चीकू शेक बहुत हेल्दी होता है फ्रेंड्स, और चीकू में होता है कैल्शियम, फॉस्फोरस और आयरन भरपूर मात्रा में। तो चीकू हमारी हड्डियों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो सर्दियों में चीकू शेक बना के ज़रूर पीजिएगा, और मुझे भी बताइए कि आपको मेरा चीकू शेक कैसा लगा। और आप चीकू को स्लाइस से गार्निश भी कर सकते हैं, चीकू की स्लाइस से। थैंक यू।